हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राजस्थानी व्लॉगर नरेंद्र रावत में। कैसे हम सभी लोग, प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं। और जो आज का व्लॉग है उसमें मैं आपको हमारे यहाँ पर जो शादी से पहले संडे आता है उसमें जो दादेरा और नानेरा कैसे दुखाते हैं वो दिखाऊंगा दोस्तों। तो प्लीज़ पूरा वीडियो जरूर वॉच करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कॉमेंट करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं दादेरा और नानेरा दुखाने। तो देख लीजिए दोस्तों, इस प्रकार से जो दूल्हा है उसको भी ये जो इसकी छाया में ले जाया जाता है और दुल्हन है उसको भी इसी प्रकार लाया जाता है। तो देखिए, आज संडे है, उससे पहले, शादी से पहले एक ही संडे पड़ रहा है ये बीच में। तो आज हम दादेरा और नानेरा दुखाएंगे। और पीछे देखिए, सभी महिलाएं गीत गाती हुई आ रही है और सिद्धार्थ ढोल बजा रहा है ये देखिए। और बहुत सारी मजाक, हंसी मजाक भी होती है, तो वो भी हम सब आपको दिखाएंगे यहाँ पर। तो ये देखिए, अभी हम आ चुके हैं जहाँ पर हमें नानेरा और दादेरा दुखाना है, वहाँ पर हम आ चुके हैं। और ये देखिए अब किस प्रकार से यहाँ मतलब पूजा की जाएगी वो हम आपको दिखाएंगे। और क्या क्या यहाँ पर इस दिन चढ़ता है, दादेरा नानेरा दुखाते हैं उस समय, वो भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो देखिए, यहाँ पर जो शराब का जो पावा है वो चढ़ाया जाता है और रोटा चढ़ाया जाता है, उसमें गुड़ डाल के, घी डाल के, और ये जो चने के जो बाकड़े हैं वो चढ़ते हैं, नारियल चढ़ता है, ये चीज़ें वहाँ पर चढ़ती हैं। तो अभी देखिए, जो दादेरा नानेरा है उनको अच्छी तरह से स्नान कराया जा रहा है। और जिस तरफ दादेरा होता है उस तरफ उनका मुँह किया जाता है, और जिस तरफ नानेरा होता है उस तरफ उनका मुँह किया जाता है। तो ये देखिए, उनको स्नान करने के बाद जो है तेल या घी है उससे साफ़ किया जाता है, स्नान किया जाता है घी से। और उनके धूप करने के लिए ये देखिए, यहाँ पर ये जो है हजड़े, हजड़े बोले जाते हैं जो कंडे हैं उनके, हजड़े बनाए जाते हैं वो रखे जाएंगे। और उसके बाद देखिए, इनको सेट किया जा रहा है सही तरीके से अभी। और उसके बाद पूजा किस प्रकार से होगी, क्या क्या करते हैं वो हम आपको सब दिखाएंगे। तो ये कि जो कुमकुम है उससे उंगली से जो तेल लगाया उसके बाद इसके ऊपर ये लगाया जाएगा, ये देखिए, ये देखिए। और अभी जो तरनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। और ये देखिए, जो ये पता नहीं क्या कहते हैं इसे, ये चिपकाया जाता है दादेरा और नानेरा दोनों पर, ये देखिए, ये चिपकाते हैं हमारे यहाँ पर, ये देखिए। और अब देखिए, जोत भी आ चुकी है, बहुत खुश हो रहे हैं। देखो आज जल्दी जोत आ गई, इस कारण मैन जोत का बहुत महत्व रहता है हमारे शादियों में। तो मतलब जल्दी जोत आ जाती है तो कहते हैं कि भाई चलो जल्दी आ गए दादेरा नानेरा या जो भी हम भगवान जी जिनकी पूजा करते हो। और जोत नहीं आती तो थोड़ा उसमें यूँ रहता है कि भाई नहीं, चलो कुछ कसर रहेगी, ऐसा कुछ रहता है। और अब अगरबत्ती भी जला दी गई है, जला रही है देखिए। और जो महिलाएं होती हैं हमारे, जो बड़ी, वही करती है ये पूजा, ये देखिए। जैसे हमारे हैं शादी तो मेरी बड़ी मम्मी और ये चाची ये करेगी, और इनके जब होती है तो मेरी मम्मी और ये लोग करते हैं। तो ये देखिए, जो क्या कहते हैं इनका ब्रांडी है, शराब है, इसका थोड़ा सा इसका झूठ क्या कहते हैं धूप भी लगता है, तो उसमें देखिए चढ़ा रहे हैं। ये देखिए, हमारी सी परम्परा है यहाँ पर, इसलिए चढ़ाते हैं। ओ जो कासा है देखिए, रोटे का, जो गेहूं का रोटा है वो चढ़ता है यहाँ पर हमारे यहाँ पर, ये देखिए। और देखिए, प्रिया को बिठा दिया गया है। तो उधर वाली जो प्रिया बैठी वो तो है नानेरा, और इधर जो विकास बैठा हुआ है ये है दादेरा। तो दोनों के धूप एक, अभी दोनों भाई बहनों को यहाँ बिठा दिया गया है, उसके बाद दोनों इधर आके करेंगे, है ना। ये देखिए, जो बाकड़े हैं उनका भी धूप चढ़ेगा, जो चटक है यानी नारियल है उसका भी धूप होगा, और क्या कहते हैं ये जो बाकड़े हैं इनका और रोटा है उन सबका धूप होगा। ये देखिए, जोत कर रहे हैं अभी। और बहुत सारे ऐसे मजाक भी होते हैं शादी ब्याह में, तो वो सब मैंने आपको सब दिखाने की कोशिश की है दोस्तों। तो प्लीज़ पूरा वीडियो ज़रूर वॉच करें। और ये देखिए, अब जो बाकड़े हैं प्रिया कर रही है, ये देखिए, बहुत ज़्यादा धुआँ हो रहा था यहाँ पर। और दोस्तों, आपके कहे अनुसार मैंने आपको हर एक शादी की परंपरा, रस्म, रिवाज आपके साथ एक एक चीज़ शेयर कर रहा हूँ। तो इससे हमारे जो गांव की या मेरे चाची है उनको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी कि नहीं आप, है ना, ऐसे ना हर वीडियो को शेयर मत करूँ। तो मैंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है चाची, ऐसा कुछ भी नहीं। तो क्या है कि गाँव के जो लोग रहते हैं उनमें थोड़ी सी ये रहती है कि नहीं, कि सोशल मीडिया पर हर चीज़ डालना उचित नहीं है, इस कारण। फिर मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है चाची, सब लोग कर रहे हैं, तो सब लोग दिखाते हैं अपने गांवों की रीति रिवाज परंपराएं। तो मैं शायद वो समझ नहीं रहे हैं, इस कारण थोड़ा उनको वो हो रहा है। चलो कोई बात नहीं है,
जिनको जो सोचना है वो सोचने दो, हमें जो काम करना है हम करेंगे, ठीक है। और मुझे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता कोई क्या सोचे, हमारे घर का परिवार का कार्यक्रम है तो मैं उसे शेयर करूँगा, कोई दूसरों का तो है नहीं जो किसी को कोई प्रॉब्लम हो। तो ये देखिए अभी कर रहे हैं, तो थोड़े मन की बात ही तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। और ये देखिए जो तना रहे हैं, ये मेरी बड़ी मम्मी है, पूरा भी पूजा का कार्यक्रम यही करवाते हैं, ये देखिए। और सभी महिलाएं अभी गीत वीत भी गाएगी बहुत सारे। अब देखिए हो चुका है और अब पोट थपथपाएंगे, हमारे हर कार्यक्रम में जो पूजा वूजा होती है उसमें पीठ थपथपाई जाती है। ये देखिए प्रिया की पीठ थपथपा रहे हैं, फिर उसके बाद मीठा मो भी कराया जाता है, अब ये विकास के भी कर दिया है। ये देखिए जो वत भी अच्छे से आ रही है अभी ये देखिए थोड़ी बहुत हंसी मजाक चलती है शादी ब्याहों में, तो वो भी मैंने आपको सुनाने की कोशिश की है कि कैसे कैसे हंसी मजाक वगैरह हो रहे हैं। तो ये देखिए प्रिया आ चुकी है अपने दादी अरा को मनाने के लिए, यानी उनका पूजा करने के लिए दादी अरा की, और विकास गया है अपने नानी अरे की पूजा करने। ये देखिए इस तरह से हो चुकी है पूजा, और उसके बाद पूजा को एक और पूजा करवाएंगे, पता नहीं कौन से भैरू जी हैं उनकी पूजा भी करवाएंगे। और यहाँ पर हमारी ये मान्यता है कि यहाँ पर जो ये पूजा के लिए जो ये बाकड़े आए हैं चने के, तो ये जो लड़कियाँ उनको नहीं खिलाई जाती हैं, कहते हैं कि अगर ये लड़कियाँ यहाँ पर खा लेती इस समय अगर पूजा कर रहे हैं यहाँ पर अगर खा लेगी तो ये कहते हैं कि लड़कियाँ ना ससुराल में नहीं टिकती है, ऐसी मान्यता है हमारे यहाँ पर। तो जो लड़कियाँ होती हैं कंवारी लड़कियाँ होती हैं उनको ये बाकड़े नहीं खिलाए जाते हैं, ठीक है ना। अगर घर पर जो और भी कासे के बने हुए हैं जैसे 5 किलो चढ़ते हैं तो अगर वो अपन तो उसमें से खा सकती है, अगर ये इस जगह जो पूजा के ये है ना इनमें से एक भी चीज़ लड़कियों को नहीं खिलाई जाती है, ऐसी परंपरा है हमारे यहाँ पर। क्या आपके भी ऐसी परंपरा है दोस्तों, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ये देखिए अभी पूजा कर रहे हैं ये लोग, और इसके बाद एक और पूजा होगी जो प्रिया करेगी। तो ये देखिए हो चुका है दादी अरे नानी अरे की पूजा, अब पता नहीं कौन से जो भैरू जी थे जो ब्यान जी ने याद दिलाया था कि उसकी पूजा भी करनी है, तो उसकी भी पूजा करेंगे। और ये देखिए ये रोटा है तो इसको अब बांटा जा रहा है, और ये देखिए कुछ एक महिलाएं वगैरह बातें शातें भी कर रही है यहाँ पर हंसी मजाक। ये देखिए इतनी सारी महिलाएं, और इधर ढोल बजा रहा है मेरा भांजा। ये देखिए ये हो चुकी है दूसरी पूजा स्टार्ट, पता नहीं कौन से भैरू जी बताए थे ब्यान जी ने, तो उसकी पूजा कर रहे हैं यहाँ पर। और वही है नारियल बाकड़ा और क्या कहते हैं जो रोटा है वो सब कासा ये चढ़ता है महाराज जी के, जो भी दादे नारा जो भी इनमें है इनके। और ये देखिए ये चढ़ा दिए हैं, ओ दोस्तों फिर बाद में जो बांटेंगे वो भी हम आपको दिखाएंगे यहाँ से। ये देखिए पूजा के लिए बेटी है मेरी प्यारी सी भाणी जी, और ये देखिए नारियल फोड़ने के लिए गया हूँ मैं, एक को नारियल चढ़ाना था वहाँ पर, और अब सब लोग वापस जाने के लिए तैयार हो गए हैं। उससे पहले देखिए यहाँ पर जो बाकड़े हैं जो महिलाएँ हैं शादीशुदा उनको ही दिए जाते हैं, बच्चों को जो लड़कियाँ होती हैं उनको नहीं खिलाए जाते जैसे कि मैंने बताया है। तो ये देखिए बाकड़े बांटे जा रहे हैं, सभी महिलाओं में बांट दी जाएंगे ये। और ये देखिए सिद्धार्थ को ढोले बना दिया इस बार शादी में, पूरे शादी में सिद्धार्थ ढोल बजा रहा है उधर। और ये महिलाएं, और हमारे यहाँ पर घूंघट का बहुत ज़्यादा महत्व है क्योंकि जो नई बहुएं होती हैं वो घूंघट ही में ही रहती हैं, और जो घूंघट में नहीं है सोच लो ये सब पुरानी लुगाइयाँ हैं महिलाएँ हैं सासुएँ हैं, इसलिए ये बहुएँ सब घूंघट में ही रहती हैं हमारे यहाँ पर। और ये देखिए सब में बांटे जा रहे हैं ये बाकड़े हैं जो, और ये बांटने के बाद यहाँ से कुछ भी घर को नहीं जाता है वापस, ये बांटने के बाद हम सीधा अब जाएंगे घर पे। और वापस आते समय भी गीत गाती हुई आती है महिलाएं, और वापस जाते समय भी महिलाएं गीत गाती हुई जाएगी। तो वीडियो में दोस्तों अंत तक बने रहें, ये देखिए बांट दिया है यहाँ से। और ये देखिए दोस्तों अभी सिद्धार्थ ढोल बजाता बजाता आ रहा है, पीछे महिलाएं गीत गाती आती आ रही है। और ये देखिए पैसे वार के वापस जेब में डाल रहे हैं कोई नहीं दे रहा इससे, तो इसलिए ढोल बजाना बंद कर दिया इसने। ये देखिए ढोल बजाना बंद कर दिया इसने फिर इसको मनाया गया है वापस, भाई तुझे पैसे देंगे। ये देखिए इसके इसमें ढोल पे रखे गए पैसे, फिर इसने वापस ढोल बजाया। ये देखिए पूरा ढोली का अच्छे से काम कर रहा है ये देखिए।
और दोस्तों देखिए अभी हम आ चुके हैं घर पे, और घर पे ही अब देखिए जो महिलाएं हैं उन सबको जो बाकड़े हैं वो बांटे जाएंगे। ये देखिए, ये देखिए अब पराते भर भर के दी जा रही हैं, और सब ये जो महिलाएं हैं उनमें ये जो बाकड़े हैं भर भर के दे देंगे सबको, क्योंकि घर पे वापस नहीं रखते हैं इसको, इस कारण सबको बांट देंगे। और देखिए हम बच्चे और हम सब बैठ के भी ये बाकड़े खा रहे हैं, क्योंकि घर पे लड़के भी खा सकती है घर आने के बाद। बाकी वहाँ पर जो पूजा के जो होता है ना मेन प्रसाद, वो लड़कियों को नहीं खिलाया जाता है। देखिए चटक वगैरह हम सब खा रहे हैं यहाँ बैठ के, बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं ये जो प्रसाद के होते हैं। और ये देखिए सभी महिलाओं में बांटे जा रहे हैं, ये देखिए। और फिर उसके बाद सभी महिलाएं तो अभी घर चली जाएगी और फिर शाम को वापस आएगी गीत गाने, और बहुत ही अच्छा डांस वांस भी हो रहा है दोस्तों, तो प्लीज़ पूरा वीडियो जरूर वॉच करें। ये देखिए डांस स्टार्ट हो चुका है अब।